अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक सब खैरियत से? तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आप भी कह रहे होगे यार आपका भाई इतने गंदे बालों में इतने दिनों से एब्सेंट, कोई व्लॉग नहीं आ रहा है 5-6 दिनों से। तो गाइस आप भी यही सोच रहे होगे, तो अभी मैं आपको सारी वजह बताता हूँ। यार रुको यार रुको रुको, आप भी मेरी तरह बहुत जल्दी जल्दबाज इंसान हो। और गाइस आपको मेरी आवाज़ देख के लग रहा होगा बड़ी स्लो आवाज़ में आपका भाई आज बात कर रहा है। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि मैं 5-6 दिनों से बुखार था मुझे, मैं बीमार था और खांसी लगी हुई थी। और रात को जब मैं सोता हूँ ना तो मुझे बुखार हो जाता है, हर रोज़ होता है, कल भी हुआ है, परसों भी। तो मैं तकरीबन मंडे के दिन से स्कूल नहीं जा रहा, और आज गाइस थर्सडे का दिन है, मंडे के दिन से मैं स्कूल नहीं जा रहा यार। पता नहीं क्या होता है गाइस, रात को बुखार हो जाता है। आपके आप में से बहुत से भाइयों का सवाल ये होगा कि बहाने करते हो, लेकिन ये बात नहीं है भाई, सच में मुझे बुखार होता है, पता नहीं क्या हो जाता है रात के टाइम। एक मेरी बहन है उसको भी वैसे ही है, और उस दिन गया हूँ डॉक्टर के पास यार, उन्होंने कोई दवाइयाँ ववाइयाँ दी हैं तो भी ठीक हुआ हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा आपके लिए व्लॉग ही बना लूँ, क्योंकि अभी कोई कंटेंट नहीं लगा गाइस। आज का व्लॉग इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना कि आपको अगर बोलेगा यार सुरेश भाई क्या यार इतने मज़े का कॉन्टेंट देते, इस तरह के नए नए कॉन्टेंट बनाया करो। तो गाइस आज के व्लॉग में हमने है ना अपनी वॉच को जो है ना पानी में फेंकना है। तो मेरा जो एक दोस्त है ना इधर, वो जिसके साथ मैं पहले वीडियो में एक बनाई है, तो उसने मुझे चैलेंज दिया था कि तुम अपनी वॉच को जो है पानी में डालो। तो मैंने क्या ये हो सकता है कि मैं किसी का चैलेंज ना एक्सेप्ट करूँ, मैंने क्या मैं करूँगा एक्सेप्ट और वॉच को अपनी पानी में डुबो के दिखाऊंगा तुझे। देखिए मैं अपनी पब्लिक को भी दिखाऊंगा और सारे लोग देखेंगे कि मैं वॉच को जो है ना पानी में डालूंगा, फिर तू मेरा व्लॉग भी जाके देख लें कि मैं जो है ना वॉच को पानी में डालूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में वही करने वाले हैं, वॉच को पानी में डालेंगे। उससे पहले गाइस मैं कब से लेटा हुआ हूँ अंदर यार, घर वाले बाहर निकलने ही नहीं देते यार। और वेदर भी आज का मतलब मज़े का है, देखे गाइस बादल वादल फुल लेवल के हुए हुए हैं, ठीक है ना। और आपने यार आपके भाई के लिए बहुत दुआएं करनी है ताकि आपका भाई जो है ना आपके भाई को सेहत मिले। और गाइस कल भी मैंने व्लॉग बनाया, बहुत ज़्यादा मुझे बुखार था और मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन वो मेरा सारा ज़ाया चला गया। उसमें मैंने बैट बॉल खेला था, इतने बाहर गया हूँ, चली खाई है, बाहर गया हूँ, रेस्टोरेंट पे गया हूँ, कैफे पता नहीं कहाँ क्या गया हूँ बस, लेकिन रेस्टोरेंट पता नहीं क्या, लेकिन सॉरी ज़्यादा हो गया, बाहर गया हूँ खेला वेला है, लेकिन वो मेरे से गलती से मतलब डिलीट हो गया, तो उसके लिए सॉरी कि मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना रहा। और अब मेरी आवाज़ स्लो है, स्लो आवाज़ को इग्नोर मारे, तो अभी मेरा इतना दिल है कि मैं बैट बॉल खेलूँ। गाइस ये मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया था बैट बॉल का, जब मैं ठीक था इतवार के दिन लगाया था मैंने, जो कि कब का गुजर गया, और आज थर्सडे का दिन है। ये देखिए अभी ये बॉल टूट चुकी है, और यहाँ से मैंने उस दिन छक्का मारा है संडे के दिन, मुझे भी याद है इतने मज़े का छक्का मारा ना यार, पाँव में फंसी किया गया। ये देखें गाइस ऐसी की हालत, यहाँ से मैंने यूं करके शॉट मारी है, यहाँ से यूं, ये इस घर में चलेगी बॉल, ये जो ब्राउन कलर का है इधर चलेगी बॉल, और ये रस्सी इधर ही रहेगी, और टेप के साथ जुगाड़ लगाया था गाइस, और मैंने इतना गंदा छक्का मारा था ना, आपकी सोच है गाइस। तो गाइस पूरा आप भी कह रहे हो कि बातों में ही आपका भाई जो है सारा टाइम लगा रहा है, तो अभी बातें बातें फिनिश करते हैं और करते हैं चैलेंज स्टार्ट, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर तक, अभी थोड़े इधर उधर काम है वो पूरे करेंगे, तो फिर आपको पूरा चैलेंज करवा के दिखाएंगे। सबसे पहले तो तोते के पास चले आते हैं और देखते हैं तोते की क्या सूरत हाल है, व्यू चेक करें भाई, इतने मज़े का मैं जब घुमाता हूँ। अभी तोतों की सूरत हाल चेक करते हैं, क्या है यार मेरे तोतों का, अंडे वंडे दिया है कि नहीं दिया है। तो गाइज़ अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, और मेरा एक तोता शायद से मटकी में है। तो हाँ गाइज़ मैं अंदर आ चुका हूँ, और ये देखें एक तो छः थे ना मेरे, 1, 2, 3, 4 और 5, एक अभी देखते हैं शायद मटकी में है। ये देख सकते हैं गाइस, ये भी मटकी से इसने मुंह बाहर निकाल लिया है, देख सकते हैं। और माशाल्लाह से गाइस ये मेरे तोते मटकी के अंदर भी जाते हैं, आपने दुआ करनी है बहुत जल्दी। इसका मेल ऊपर बैठा हुआ है गाइस, ये ग्रीन वाला, ये वाइट वाइट और ब्लू, और ये येलो वाला तोता है, ये फीमेल है, ये अंदर अभी अंडे शायद से दे दिए कि नहीं, छोड़े हैं अंडों को। और ये ऊपर भी एक फीमेल बैठी हुई है, ये वो अंदर चली गई गाइस। तो गाइस देख सकते हैं मेरे प्यारे तोते जो है ना अंडे देने वाले हैं, अभी मटकियों के अंदर जा रहे हैं। तो मैंने आज फाइनली आपको दिखा दिया कि मेरे तोते मटकी के अंदर जा रहे हैं, और इनका बहुत जल्दी चांसेस भी हैं कि अंडे दे देंगे। वो देखे गाइस ये माशाल्लाह से इसका मुंह बाहर है गाइस आप देख रहे होगे यार आपका भाई खांसी भी कर रहा है। ये किचन में पाले हुए तोते ताकि इनको हीट मिले, किचन में खाना वाना पकाते हैं ना तो ताकि इनको हीट मिले। तो गाइस ये चेक कर सकते हैं, इनकी एक मटकी चेक करें, हालात इतने बुरे हैं,
ये देखें गाइस, ये हुआ कुछ ऐसा कि मेरी बहन ने इनको आके छेड़ा, उसने देखा शायद इन्होंने अंडे दिए तो उसने मटकी हिलाई और यहाँ से वो निकल गया, तो इसको जोड़ देंगे और ये भी गिर गया। इस ये इतनी छोटी है गाइस, ये तोता पहले फिंचेस का था, मेरे कज़न से मैं लेके आया हूँ। ये फिंचेस का था, भी बोल रहे हो इतना गंदा, देखें नीचे से कितना साफ हम रखते हैं लेकिन ये ऊपर से गंदा है। ये मैं तोता, मेरे कज़न ने पहले फिंचेस रखी हुई थी इस केज में, तो मैं उससे ले आया, उसने ख़त्म कर ली, तभी मुझे तोतों का शौक चला। और गाइस ये मटकी, बड़ी मटकी मैं उस दिन लेके आया, उसको लगा दिया मैंने, और गाइस ये उड़ गई तोती, अब बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर हम भी चलते हैं। तो गाइस अभी आपका भाई ये जूस पीने वाला है स्लाइस, तो अभी इसके अंदर स्ट्रॉ डालते हैं, डाल ली ये, अभी इसके अंदर हमने स्ट्रॉ डाल लिया, और अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इसको पीने लगाऊं, तो ये इसको मैंने पहले फेंका स्ट्रॉ को, और अभी इसको मैं आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ कि आपको स्लाइस के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, और ये आपको ये इसराइल की प्रोडक्ट है गाइस, ये देख सकते हैं। अब मैं इसको सारी फेंकने लगा हूँ क्योंकि इसराइल की प्रोडक्ट है, ना पिए करें गाइस इस तरह की चीज़ें। ये मैंने इसको फेंक दिया गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसराइल की प्रोडक्ट को हमें जो है ना यूँ ही वेस्ट करना चाहिए, इसराइल की प्रोडक्ट, ये इसराइल की प्रोडक्ट गाइस, जूते मारा करें इन जैसी चीज़ों को। ये मैंने गाइस फेंक दी इसराइल के प्रोडक्ट, और आप भी ना खाया करें गाइस इस तरह के इसराइल की प्रोडक्ट। गाइस आपका भाई आपके लिए बीमारी में वीडियो बना रहा है, तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो। ओए होए इतना ठंडा पानी यार, अरे बाहर बहुत ठंड है गाइस, ऊपर से मुझे अलाउ भी नहीं है बाहर आना, फिर भी डॉक्टरों ने मुझे नॉट अलाउ किया मैं बाहर आना, फिर भी मैं आ गया। तो गाइस अभी आपके भाई ने इसराइल की प्रोडक्ट फेंक दिया, तो आप भी इसी तरह इसराइल की प्रोडक्ट को फेंका करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फलस्तीन की चीज़ें यूज़ किया करें। स्लाइस की जगह अगर आप ना पिए तो एक और जूस है माजा, वो पी लिया करें, पता नहीं क्या है जिहान है, पता नहीं यूँ कुछ ड्रिंक है, वो भी पी लिया करें। पेप्सी नहीं पीनी आपने, कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, बस कोल्ड ड्रिंक पिया ही ना करें यार, कोल्ड ड्रिंक होती ही नहीं अच्छे। आपका भाई आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी कंटेंट लाता है यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो। वो और यूट्यूबर्स होते हैं वीक मांगने शुरू होते हैं, मिनट मिनट बाद बोलते हैं सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब, वो यूँ सारी वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा मैंने सिर्फ दो या तीन बार बोला है सब्सक्राइब का, उसके बाद बोला नहीं, और हर वीडियो में यूँ ही करता हूँ, किसी किसी वीडियो में तो बोलता भी नहीं हूँ। और सबसे पहले तो जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अभी आपको गालियाँ देने का मुझे मूड कर रहा होगा, तो यार ना दो यार, आप भी कह रहे होगे ये भी हमें सब्सक्राइब पर कह रहे हैं, तो अभी मैंने कहा है भाई पहले नहीं कहा है। तो अभी अपने मेन होल पे आते हैं और वॉच को पानी में डालते हैं और वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो गाइस ये रही हमारी वॉच, और अभी मैं इसको बाहर लेके आ चुका हूँ, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं गाइस, ये चेक कर सकते हैं खुल चुकी है, अरे देखे गाइस बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में कितनी स्मूथ है, बिल्कुल आईफोन 14 प्रो मैक्स की तरह। आपने कमेंट में बताना है आईफोन 14 प्रो मैक्स अच्छा है, मेरी वॉच अच्छी है। जिन जिन भाई का सवाल है मेरी वॉच अच्छी है, तो यार लाइक करो, आपको भी पता है यार आपके भाई की वॉच जान से आपके भाई को प्यारी। एक बात बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा वॉच को अंदर डालने को, लेकिन यार आपको कंटेंट देना है तो इस वॉच को मुझे अंदर डालना ही पड़ेगा यार। अभी गाइस पानी का जग पूरा लाते हैं भरा हुआ, ठीक है ना, और इसको 5 मिनट तक हम पानी में रखेंगे, 5 मिनट तक, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ ये वॉच बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, ये देखें बिल्कुल ठीक है ना, ताकि आप फिर ये ना कहो कि वर्किंग नहीं है, बिल्कुल पूरे तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। ये शट डाउन करने पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एप्पल लोगो आएगा, ये शट डाउन पे एप्पल लोगो आता है, ये एप्पल वॉच सीरीज़ का मेरा फर्स्ट या सेकंड क्लोन है, और इसका नाम है MT8 अल्ट्रा मैक्स। आपने कमेंट में यही बताना है कि कौन सा क्लोन है, अभी उसको ऑन करके फिर से आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल ठीक वॉच है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये नाइट मोड है, ये डे वाला मोड है ये वाला, और ये बड़ा अच्छा क्लोन है। इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको ये नहीं बताया था कि आपको ख़रीदनी चाहिए कि नहीं, जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो भी जाके आप देखें, तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसको आप ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, तो आज की वीडियो में बता दूँ आपको कि इसको ख़रीदना चाहिए। और ये बहुत मज़े की वॉच है, चेक कर सकते हैं, पुल गोलाई में है, और इसमें ये चेक कर सकते हैं गाइस। आपको बताऊँ मेरा कौन सा है मतलब फेवरेट जो है इसका जो शुरू में होता है वो, तो मेरा ये नाइट मोड मज़े का है नाइट में, और डे में मेरा ये मज़े का है, ये मज़े का गाइस। अभी इस वॉच को मैं इधर ही रख देता हूँ गाइस, कौवे ही ना उठा ले, छोड़े यार कौवे का क्या है यार, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो अभी अंदर से पानी का भरा हुआ जाग लेके आते हैं। तो गाइस अभी मैं ले आया हूँ ये पानी का भरा हुआ लंच बॉक्स, मैं ले आया हूँ। आप भी कह रहे होगे यार लंच बॉक्स में करेगा आपका भाई इसको डुबो के, लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, आपका भाई ने इसलिए लाया क्योंकि आपके भाई ने क्या क्या करूँगा, इतना बड़ा उठा के लाऊँगा यार, तो ये छोटा ही काफ़ी है क्योंकि वॉश तो इसमें भी आ जाएगी। तो गाइस अभी शुरू होते हैं अपने काम पे, ये उतार देते हैं पहले स्ट्रैप, देखे पीछे स्ट्रैप लोग भी है तो इसको मुश्किल होगी उतारने में, तो वो पीछे ही ना गिर जाए यार। ये गाइस ये स्ट्रैप पहला उतर गया, ये दूसरा भी उतर गया गाइस। तो अभी इसको डालने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब, और गाइस पानी का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है, और अभी गाइस यार बिल्कुल भी दिल नहीं है, चेक कर सकते हैं बिल्कुल रियल वॉच है ये। अभी ये ना हो कि आपको हो कि फिर चेंजिंग वीडियो को हल्का भी स्टॉप नहीं करूँगा, फिर आप कहोगे कि अरे चेंजिंग कर लिए, वैसी की वैसी ही है ठीक है ना, चेक कर सकते हैं वही वॉच है। अभी इसको यार सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, 3 2 1 आपके सामने है गाइस। ओए अंदर जाके बंद हो गया गाइस, अंदर जाके बंद हो गया गाइस। अभी इसको हमने 5 मिनट के लिए यूँ ही छोड़ना है, अंदर डुबो दिया पूरे तरीके से, चेक कर सकते हैं पानी है ये पानी, चेक कर सकते हैं। और स्ट्रैप हमने बाहर ही रख दी है, स्ट्रैप भी डाल लूँ, चले गाइस स्ट्रैप भी डाल दिए आपके कहने पर, स्ट्रैप भी साफ हो जाएंगे। तो गाइस अभी 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस 5 मिनट गुजर चुके हैं सही है ना, अभी मैं जाके देखता हूँ कि हमारे वॉच का क्या हुआ है, ये मेरे सामने पड़ी हुई है गाइस। गाइस पानी का टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, पहले इसके स्ट्रैप निकालते हैं, ऑन तो अभी तक नहीं नज़र आ रही मुझे गाइस ये, अभी इसको बाहर निकालते हैं ये बार। ओए ऑन है, ओ तेरी खैर, ओए गाइस ये तो ऑन है, मुझे लगा ये ओ बंद हो के ख़राब हो जाएगी, बस मैंने व्लॉग का कंटेंट ही देना है इनको ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये तो वाटरप्रूफ निकली। एक मिनट यार, भाई साहब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वॉच अभी तक ज़िंदा है हमारे पास, ठीक है ना, ये चेक कर सकते हैं पूरा पानी से भरी हुई थी, अभी मैंने इसको साफ़ किया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी स्मूथनेस वैसी की वैसी ही आपको नज़र आएगी, और ये वही वॉच है जो मैंने पानी में डाली है। एक और बार डालूँ यार, चले एक और बार रिस्क लेते हैं, एक और बार रिस्क लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अंदर से वैसी स्मूथनेस है इसकी जैसे पहले थी, चेक कर सकते हैं। एक और बार आपके सामने डाल के भी निकालूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और बार आपके सामने डाल के निकाली है ठीक है ना, ये चेक कर सकते हैं बिल्कुल वाटरप्रूफ वॉच है, वाटरप्रूफ गाइस, इसलिए कह रहा हूँ आपको इस तरह की वॉच लेनी चाहिए जो मैंने आपको कहा था, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, स्ट्रैप भी निकाल लिए थे मैंने इसके, बिल्कुल ठीक ठाक है ठीक है ना, ये चेक कर सकते हैं। और अंदर पानी का टेम्परेचर बहुत ठंडा है गाइस, अगर आप चाहते हो कि गाइस अगली वीडियो में मैं आप इस अगली वीडियो में मैं जो है ना इस मोबाइल को भी पानी में डालूं, ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर के चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं इस मोबाइल को पानी में डालूं, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो में मैं मोबाइल में डालूँ। एक और बार डाल दिया गाइस आपके सामने रिस्क ले गए, ओए अब की बार थोड़ी जाम सी हुई है, एक क्लोज करके एक बार आ गए वैसे की वैसे ही गाइस पानी में, अरे ठंडा टेम्परेचर है ना, अभी मैंने इसको सुखाया नहीं है तभी काम नहीं कर रही है, अभी मैं इसको सुखाता हूँ अभी फिर आपको दिखाते हैं। टेंशन नहीं लेने का भाई, ये वॉच जब तक होने का गाइस, देसी जुगाड़ लगा रहे हैं, कपड़े से ही साफ़ करेंगे अभी इसको, चेक कर सकते हैं वैसी की वैसी है, सूखी यार सूखी नहीं है बहुत गीली है, ये चेक कर सकते हैं, ये चेक करें गाइस और भी स्मूथनेस आ चुकी है ठीक है ना, और भी स्मूथनेस आ चुकी है इस वॉच में, और ये और भी स्मूथनेस आ चुकी है इस वॉच में। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में मोबाइल भी करूं तो फिर लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो और कमेंट में बताओ यार ताकि मैं अगली वीडियो इस पर लाऊं। अभी इसको सुखाते हैं यार, जो मेन गोल था बड़े मज़े का हुआ है यार, अभी ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो गाइस ये पानी वानी अंदर जा के गिराते हैं और ये चेक करें गाइस, अभी इसको पूरे तरीके से मैं सुखा के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस वॉच को मैंने सुखा लिया है, और कमेंट में बताओ कि आगे जो है ना मैं इस वॉच के साथ क्या क्या करूँ, और कमेंट में लाजमी बताओ, पहले तो कमेंट में ये बताओ, अब चैलेंज होगा कमेंट में जिस भाई ने ज़्यादा बता दिया ना, 2 चॉइस हैं आपके पास, तो जिन भाइयों ने भी बताने हैं ना तो कमेंट भर दो, 2 चॉइस में आपने ये बताना है कि अगली वीडियो में इस वॉच का क्या करूँ,
और अगली वीडियो में यही बताना है कि इस मोबाइल को मैं पानी में डालूं कि ना डालूं। ये दो चीज़ें आपने बतानी है कि मैं वॉच को वॉच के साथ क्या कहूँ। ये अगर इसके सारे कमेंट हुए कि आप वॉच के साथ ये करें वो करें, तोड़ दें, ज़मीन पर मारें, टेस्ट करें ज़मीन पर मार के और मोबाइल को पानी में डालें, इन दो चीज़ों पर देखता हूँ किसके सारे कमेंट हो। पर अगर होंगे तो मैं इस वॉच को यूँ करके मार दूँगा। अगर आपने कहा ज़मीन पर मारो, अगर आपने कहा वॉच को गाड़ी के नीचे करो, अगर आपने कहा वॉच को साइकिल के नीचे करो, अगर आपने कहा इस मोबाइल को पानी में डाल दो, इन दो में से जिसके सारे कमेंट हुए वही काम मैं करूँगा और इंशाल्लाह करूँगा। अभी अंदर जाते हैं, पानी गिरा देते हैं। गाइस ये बताओ यार, ये जो आवाज़ है ना, ये सुई गैस से तुल्ले ठीक करा लो, ये किन किन के घर के सामने वाले अंकल आते हैं आप बताओ यार। मेरे घर के सामने तो जब भी मैं जिधर भी शिफ्ट हो ना, जिधर भी चाहूँ पिंडी में नानों के घर जाता हूँ, उधर भी ये होता है। इधर पिछले पहले मैं जिधर रहता था उधर भी होता है। हर जगह जिधर भी मैं चला जाता हूँ ना, कराची में भी जब वेम्पायर वाइटी वीडियो बनाते हैं उधर भी हो जाता है। आपने कमेंट में बता दिया किस किस के घर के सामने आता है। अभी ये यार वॉच को जेब में डाल लें, पहले ये गई जेब में, वो जेब में नहीं जेब से गिर जाएगी। ड्रॉप टेस्ट तो अगली वीडियो में करना है ना, अगर आपने बताया तो। अब ये पानी को उठाते हैं, ठीक है आपके सामने गाइस जो भी किया आपने, ये नहीं बोलना है कि मैंने वॉच को नहीं डाला। ये बिल्कुल साफ सुथरा जो है ना हो चुका है। अभी इसको भी इधर रख देते हैं, वॉच को भी इसके अंदर रख देते हैं, स्ट्रैप को भी इसके अंदर रख देते हैं और आप इसको अंदर ले जाते हैं। और गाइस इसको अंदर लेके जाने से पहले इस वीडियो को एंड कर देते हैं क्योंकि 15 मिनट से ऊपर होगी और 15 मिनट से ऊपर मैं बनाता नहीं हूँ वीडियो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल या परसों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं, मिलेंगे इंशाल्लाह कल या परसों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।